We take another example. Suppose this is an equation of a curve, x into x square plus y square is equal to a into x square minus y square. First of all, we check this its symmetricity. इसके symmetricity को check करने के लिए equation को हम rewrite कर लेते हैं. Mean this equation can also be written like that. Into x into x square plus y square minus a into x square minus y square. Clearly, this is symmetric about x-axis because f of x minus y is equal to f of xy. And when this relation hold, then we say that the curve is symmetric about x-axis. आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशंस के अंदर आप गौर से देखें तो y की कोई भी ऑड पावर अपीयर नहीं हो रही. तो y की जब ऑड पावर अपीयर ना हो तो आपका जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है. सिमिलरली अगर x की पावर इवन हो तो आपका जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट जो है वो y एक्सिस होता है. लेकिन यहाँ पे x की ऑड पावर अपीयर हो रही है, दिस इज x क्यूब. तो दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इट इज ओनली सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस. Now we check whether the curve is passing through a origin or not. So then definitely our curve is passing through the origin, because when you put x equal to 0 and y equal to 0, then 0 is equal to 0, the equation of a curve satisfied. It means that your curve is passing through the origin. Now we know, ab hum check karenge the nature of the origin. कि ओरिजिन जो है, जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है जिसमें से कर्व पास कर रहा है, उसकी नेचर क्या है. फॉर दिस हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करनी पड़ेंगी. सेम प्रोसीजर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करने का कि लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे. ये टर्म एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे जो डिग्री है टर्म की वो थ्री आ रही है. ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे डिग्री जो है वो टर्म दो टर्म्स की टू आ रही है. तो इस मीन आप लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे. आई मीन टू से दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. देन clearly these are equations of a tangent at the origin. So then clearly these are real and distinct. So tangents हमारे पास real and distinct हैं. जब ये situation हो तो हम कहते हैं जो origin है वो हमारा node है. तो origin की जो nature है वो हमारे पास node आ गई. Mean to say that origin is node. रीजन बहुत क्लियर है कि टेंजेंट जब आपके डिस्टिंक्ट और रियल हो तो आपका जो ओरिजिन होता है वो नोड होता है. थर्ड वन, अब आप चेक करेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन जो कर्व किया है इट हैज असिम्प्टोट्स और नॉट. अब हम असिम्प्टोट्स को चेक करेंगे. असिम्प्टोट्स को चेक करने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. मेन इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन. जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस ए. सिंपल सिंप्लीफिकेशन है. आपने वाई को अलग करना है और बाकी टर्म्स को आपने अलग करके एक साइड पे लिख लेना है. बस इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी. देन क्लियरली इफ अगर आप यहाँ पे और से देखें तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस ए तो आपका जो वाई है ये अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को. नहीं, आपका वाई प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. मीन टू से डैट के आपका जब एक्स अप्रोच करेगा आपका रियल एक्सिस के ऊपर माइनस ए को तो जो कर्व है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो करेगा. तो जब ये सिचुएशन होती थी देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिम्प्टोट्स डैट वी हैव डिस्कस्ड वहां पे हमने देखा था तो फिर आपका कर्व जो है वो वर्टिकल असिम्प्टोट रखता था. इट्स मीन एट एक्स इक्वल टू माइनस ए के ऊपर आपके पास जो सिम्प्टोट्स होगा वो वर्टिकल होगा. डेफिनेटली इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. नो, अब हमने ये चेक कर लिया असिम्प्टोट्स को देख लिया. अब हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है और y एक्सिस को कहाँ पे
कट कर रही है, तो हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पे आपकी जो गिवन इक्वेशन फॉर कर्व है ये बोथ एक्सिस को जो है वो कट करती है। क्लियरली ये वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एट द ओरिजिन के ऊपर ही कट करेगी, बिकॉज जहां पे ये वाई एक्सिस कट करेगी वहां पे एक्स जीरो होता है। अगर आप एक्स जीरो पुट करें तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरी की पूरी जीरो हो जाती है, तो और वाई स्क्वायर आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मीन वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, वो ओरिजिन है। अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस को, ये इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये कट करेगी डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जहाँ पे वाई जीरो हो जाएगा वहाँ पे आपके पास एक्स जो है वो आ जाएगा ए, मीन आप यहाँ पे वाई जीरो पुट करें आपके पास ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस जीरो, मीन ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर आपकी ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट करेगी। नो अब हम इसका डोमेन सेट फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन को थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। टू फाइंड द डोमेन सेट, इक्वेशन को अगर रीराइट करें तो मीन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए, यानी हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। अब क्लियरली देखें तो हम इंटरेस्टेड हैं वाई की रियल वैल्यूज फाइंड आउट करने में, तो वाई की रियल वैल्यूज सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास अपीयर होंगी, व्हेन एवर ए माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, विच फर्दर इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू ए। मीन जब एक्स लेस देन इक्वल टू ए होगा तो वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास रियल आएंगी, लेकिन वेन एवर आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो आप वाई जो है वो आपको इमेजिनरी वैल्यूज देगा। इट्स मीन के ये मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू ए ये इनइक्वालिटी ये शो कर रही है कि नो पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज बियॉन्ड एक्स इज इक्वल टू ए, मीन एक्स इज इक्वल टू ए से बियॉन्ड कर्व का कोई भी पॉइंट जो है वो लाई नहीं करेगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अवर ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज अवर ये एक्स एक्सिस है, इसका जो सिम्टोट्स है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था हमारे पास, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस ए। और एक्स एक्सिस को जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व जो है वो कट कर रही थी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो ओरिजिन जो था वो हमारा नोड था, और जो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास आई थी वो वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स है एंड दिस इज आई मीन टू से दिस इज इसकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ हो गया। अब कर्व जो हमारे पास ड्रॉ होगा वो ओरिजिन हमारे पास नोड था और एक्स एक्सिस को एट ए के ऊपर कट कर रहा था, तो ये इस तरह हमारा यानी कर्व ड्रॉ होगा, और जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करेगा तो हमारा जो कर्व का बिहेवियर है वो अनबाउंडेड टाइप हो जाएगा। सिमिलरली यानी इधर माइनस इन्फिनिटी जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा एक्स, यानी एक्स जो जब माइनस ए को अप्रोच करेगा तो जो हमारा कर्व का जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड होगा, यानी वाई जो है वो अप्रोच कर जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को। तो ये हमारी स्केचिंग होगी। अब हम एक एग्जांपल को और डिस्कस करते हैं।
Dear students, now we are in a position to draw a graph in a rectangular coordinate system. To discuss this concept, let us consider an example. Suppose this is an equation of a curve, which is y square equal to x square into 4 minus x square, and we have to draw a graph of this equation in a rectangular coordinate system. First of all, we check its symmetricity, which is very important. Clearly, it is symmetric about both axes. I mean to say that it is symmetric about x axis and also symmetric about the y axis. Let us check it. कि हम कैसे check कर सकते हैं कि graph जो है वो symmetric about x axis है and symmetric about y axis है. The equation of a curve can also be written like that. First of all, we'll check the symmetricity. हम सिमेट्रिसिटी को चेक करेंगे. रियली एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. क्लियरली जब ये रिलेशन होल्ड करे तो हमारा जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है. तो इस इक्वेशंस के अंदर रिलेशन होल्ड कर रही है, मतलब आप चेक कर सकते हैं. सेकेंडली एफ ऑफ एक्स वाई for minus y is equal to f of into x y. तो जब ये वाली रिलेशन होल्ड करे तो हमारा जो ग्राफ होता है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है. कि अगर आप इस रिलेशन के बगैर भी चेक करना चाहें तो जो x की पावर है वो हमारे पास ऑड नहीं होती. अगर x की पावर जो है वो हमारे पास इवन आए तो हमारा ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है. सिमिलरली अगर y जो है वो पूरी इक्वेशन के अंदर ऑड पावर y की अपीयर ना हो तो हमारा ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है. तो ये हमने सिमेट्रिसिटी के बारे में चेक किया. अब हम देखेंगे कि वेदर अवर ग्राफ इज पासिंग थ्रू ए ओरिजिन और नॉट. क्लियरली द ग्राफ ऑफ दिस कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन. एंड जब ये ओरिजिन से पास करता है तो हमें ओरिजिन्स के ऊपर टेंजेंट्स को फाइंड करना पड़ेगा. टेंजेंट्स को हम इसलिए फाइंड करेंगे तो हमें जो ओरिजिन जो पॉइंट है उसकी नेचर को फाइंड आउट करना है कि वेदर ओरिजिन इज अ नॉट कास्ट फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये काफी ब्रीफली डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट्स एट द ओरिजिन किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है. मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ. हम लोएस्ट डिग्री टर्म जो है उनको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे. और इस अगर आप इक्वेशन के अंदर देखें तो इसमें वाई स्क्वेयर एंड फोर एक्स स्क्वेयर टू टर्म्स ऐसी हैं जो लोएस्ट डिग्री हैं. बाकी इसमें एक एक्स फोर टर्म आती है वो हाईएस्ट डिग्री है. तो हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स को जो है वो जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे. सेकेंडली मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर वाई स्क्वेयर माइनस फोर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एक्स. दिस शोज दैट आवर टेंजेंट्स आर रियल एंड डिफरेंट. जब ये कंडीशन हो जाए कि हमारे टेंजेंट जो हैं वो रियल और डिफरेंट होते हैं तो ओरिजिन जो होता है फिर हमारा क्या होगा, नोड होगा. यानी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिफरेंट देन द ओरिजिन इज अ नोड. तो ओरिजिन यहाँ पे हमारा नोड होगा. थर्ड वन अब हम देखेंगे कि वेदर दिस ग्राफ हैज एसिम्प्टोट्स और नॉट. क्लियरली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ग्राफ नहीं हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका वर्टिकल सिम्प्टोट भी नहीं है और कोई स्लांट सिम्प्टोट भी नहीं होगा. तो इट हैज नो असिम्प्टोट. फोर्थ अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये जब अब ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे कट करती है. रिमेंबर जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे वाई आपके पास क्या होता है, जीरो होता है. तो दिस इंप्लाइज ये इंप्लाइज करता है कि वेदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और फोर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इट्स मीन जो कर्व होगा ये जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट करेगी एट एक्स इक्वल टू जीरो और एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू. अब हम ये देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है. तो जहाँ पे ये आप रिमेंबर जब यहाँ पे कोई भी कर्व जो है वाई एक्सिस को कट करता है वहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है. और जब एक्स जीरो होगा दिस इम तो देन क्लियरली वाई इज इक्वल टू जीरो. तो वाई एक्सिस को कर्व जो है सिर्फ ओरिजिन के ऊपर जो है वो
कट करेगा। तो हमने ये भी चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन सेट है, वो क्या आता है। तो डोमेन सेट फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रियली टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ y, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 4 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि नो पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज बियॉन्ड एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2, बिकॉज इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 देन द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी इमेजिनरी। तो हमारा जो डोमेन सेट हो जाएगा वो माइनस 2 एंड 2 होगा। रीजन ये है कि अगर एक्स हमें ग्रेटर देन 2 ले लूं, माइनस 2 यानी सॉरी हमारा डोमेन सेट जो है वो माइनस 2 एंड 2 होगा, नॉट माइनस 2 एंड माइनस 2। रीजन इज ये है कि अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन आप 2 ले लें तो देन डेफिनेटली आपके पास y जो है उसकी वैल्यू इमेजिनरी आ जाएंगी, बट वी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रियल वैल्यूज ऑफ y। अब हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया, असिम्प्टोट्स को, सिमेट्रिसिटी को डिस्कस किया, और फिर हमने इसका डोमेन सेट को भी फाइंड आउट कर लिया। नो वी आर इन अ पोजिशन टू ड्रॉ ए ग्राफ इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। This is y prime minus, this is minus 2 and this is 2। तो हमारे पास जो टेंजेंट्स की इक्वेशंस आई थी वो आई थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। पहले हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू 2x एंड this is y is equal to minus 2x and this is equation of a tangent line y is equal to 2x। no the origin जो था ये हमारे पास जो था वो node था, और domain जो थी set जो था वो minus 2 और 2 के between था, and definitely जो हमारे पास curve था वो x axis को cut कर रहा था at point x equal to 0 के ऊपर और at 2 एंड माइनस 2 के ऊपर। तो हमारा जो कर्व स्केच होगा वो इस फॉर्म का हमारे पास आएगा, डेफिनेटली ये इसको कट करेगा। तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 4 माइनस x स्क्वायर, तो उसकी जो स्केचिंग है वो इस तरह की होगी। मैं दोबारा फिर यहाँ एग्जांपल को रिपीट करता हूँ कि हमें सबसे पहले सिमेट्रिसिटी को फाइंड किया। ग्राफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, जैसे ग्राफ से भी शो हो रहा है इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड ऑल्सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस कब होता है? जब हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलेशन थी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, वहां पे वैल्यूज सेम आ जाए, और इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई सेम आ जाए। तो देन फिर हमने इसको देखा कर्व क्या 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 कर्व वेदर ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता। तो कर्व डेफिनेटली ओरिजिन से पास कर रहा था। फिर ओरिजिन जो पॉइंट था उसके हमने नेचर को फाइंड किया कि वेदर इट इज नोड कास फॉर आइसोलेटेड पॉइंट। हमने देखा टेंजेंट जो थे वो हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट आए थे। तो इस केस में फिर हम जब रियल और डिस्टिंक्ट आए तो देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओरिजिन जो है वो हमारा नोड होगा। फिर हम देखा कि क्या इसमें कोई असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है? तो आपने देखा था कि वर्टिकल असिम्प्टोट उस वक्त एग्जिस्ट करता था जब आपका कर्व जो है अनबाउंडेड बिहेवियर शो करता था। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे इस कर्व में जहां पे आपका कर्व जो है अनबाउंडेड बिहेवियर शो करे, तो इसका कोई वर्टिकल असिम्प्टोट भी नहीं होगा। सिमिलरली इसके हॉरिजॉन्टल और स्लांट असिम्प्टोट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
ये मैंने बाय बाय डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें काफी ज्यादा डिस्कस की थी डिटेल में, वहां उसे एक दफा फिर रिवाइज कर लीजिए। हमने देखा कि आपका हमारा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे टच कट कर रहा है और वाई एक्सिस को किन पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू एंड टू के ऊपर कट कर रहा था, वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा था। देन आफ्टर दैट फिर हमने इसका डोमेन सेट डिफाइन किया कि मतलब रेंज हमारी जो डोमेन सेट है वो उसमें वैल्यूज किस तरह की आएंगी। तो वो माइनस टू एंड टू के बिटवीन भी हमारा कर्व जो है वो उसकी डोमेन वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारी स्केचिंग होगी। अब हम एक फर्दर एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर करने के लिए। नो वी डिस्कस अनदर एग्जांपल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सिमेट्रिसिटी ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। क्लियरली द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज no odd power of y is appearing in the equation. So when these things happen, then the our curve is symmetric about the x-axis. You can also check it by writing the given equation of a curve like that, f of xy is equal to 3a y square minus x square into x minus y. Then clearly f of x minus y is equal to f of xy. When this happens, then the curve is symmetric about the x-axis. We check symmetricity, you know, we check whether the given equation of a curve passing through origin or not. Definitely the curve is passing through the origin because x equal to 0 and y, putting x equal to 0 and y equal to 0, equation of a curve is satisfied. Then this means the given equation of a curve passing through the origin. Now we check the nature of origin. ये जो पॉइंट ओरिजिन हमारे पास पॉइंट है, हम इसकी नेचर को चेक करेंगे। तो इसकी नेचर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स जो हमारे पास इस फॉर्म में आएंगी वो टू टर्म्स हैं, वन इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर थ्री। क्लियरली द टेंजेंट्स आर इमेजनरी। जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन आई हैं वो हमारे पास इमेजनरी आई हैं। व्हेन दिस हैपन देन द ओरिजिन इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो हमारा जो ओरिजिन होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। जब हमने आइसोलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया था वहां पे हमने देखा था कि जब हमारे पास टेंजेंट जो है वो इमेजनरी आ जाए तो हमारा जो पॉइंट होता है ओरिजिन वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। नो अब चेक कर लिया, अब हम इसके असिम्प्टोट्स चेक करेंगे कि वेदर द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व हैज असिम्प्टोट्स और नॉट। क्लियरली अगर आप इसे और से देखें तो एक्स जब किसी भी नंबर को रियल लाइन के ऊपर अप्रोच करेगा तो वाई जो है उसका जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा। मीन एक्स आप किसी भी नंबर एक्स ए को अप्रोच कर लें, आई मीन एनी अदर नंबर को रियल लाइन के ऊपर अप्रोच करें तो आपका वाई जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट के गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हैज नो वर्टिकल असिम्प्टोट। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक्स जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो करे, मीन एक्स जो है वो आपका इन्फिनिटी या नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वाई जो है वो किसी खास किसी रियल नंबर को अप्रोच नहीं करता। तो इट्स मीन दैट द गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व हैज नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। सिमिलरली इट हैज नॉट स्लांट असिम्प्टोट। तो मीन ये हमने चेक कर लिया कि इट हैज नो असिम्प्टोट्स, यानी असिम्प्टोट्स जो है इस गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ये रियल ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो क्लियरली वाई एक्सिस को ये जीरो पे कट करेगी और एक्स एक्सिस को ये कट करेगी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। मीन जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पे वाई इज इक्वल टू जीरो होगा आपका। तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू ए। मीन एट x इक्वल टू ए के ऊपर ये x एक्सिस को कट करेगी गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व। अब हम इसकी डोमेन को चेक करेंगे कि डोमेन सेट हमारे पास क्या बनता है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दैट,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए ओवर 3 ए, विच फर्दर इम्प्लाइज डैट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रूट ओवर 3 ए. क्लियरली एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ वाई, अदरवाइज इमेजिनरी वैल्यूज विल बी अपीयर्ड. तो हम क्योंकि इंटरेस्टेड है रियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो एक्स माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन ए. मीन अगर एक्स लेस देन ए होगा तो आपके पास जो है वो इमेजिनरी वैल्यूज आएगी. तो हमने अभी चेक किया कि ये जो ओरिजिन है ये हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट है, ओरिजिन के नेबरहुड में आप जितने भी पॉइंट्स ले लेंगे आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आएंगी. तो जहाँ पे मैंने ब्रांच ऑफ अकाफ का कॉन्सेप्ट दिया था वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि जो आपके पास आइसोलेटेड पॉइंट होता है उसके नेबरहुड में आप कोई भी वैल्यू ले लें तो y जो है वो इमेजिनरी देगा. तो बट वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द रियल वैल्यू ऑफ y. तो टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ y x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a. अब हम इस पोजीशन में आए कि हम इस कर्व को अब ड्रॉ करते हैं. और एक अगर गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व को आप गौर से देखें तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होंगी y भी इंक्रीज करेगा. सिमिलरली x इज इक्वल टू a जो है वो आपके पास टेंजेंट होगा, यानी टेंजेंट लाइन हो जाएगी. मैम हम ड्रॉ करते हैं कि इस गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व को जब रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर ड्रॉ करें तो किस तरह का हमारे पास कर्व की शेप आती है. दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर टच कर रहा है, ओरिजिन हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है. तो जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी हमारे पास तो y जो है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करता जाएगा. तो x इज इक्वल टू ए हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी कर्व के ऊपर. तो ये हमारे पास स्केचिंग होगी. हमने तीन एग्जांपल्स का डिस्कस किया बाय टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल. हमने कर्व स्केचिंग को डिस्कस किया. आपको हैंड आउट्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, कुछ एक्सरसाइजेस मेंशन है, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. तो जैसे ये हमारी कर्व स्केचिंग होगी, मतलब हमारा जो टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया. यानी हमारा जो टाइटल था इन लेक्चर्स का वो था हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. उसके लिए हमने सिमटोर्स को डिस्कस किया. सिमटोर्स के बाद हमने फंक्शन के मोस्टली प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जिसमें रियलिटी मैक्सिमम मिनिमम थी. फिर हमने डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमने डिस्कस किया. देन आफ्टर दैट फिर हम इस पोजिशन में आए कि हम किसी भी ग्यूनिकेशन ऑफ अ कर्व को रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. तो उसके लिए सिमेट्रिसिटी को हमने डिस्कस किया. सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टीज को फर्दर अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लीजिएगा कि सिमेट्रिसिटी क्या होती है. फिर हमने बाय यूजिंग ऑल प्रॉपर्टीज हमने देखा कि ग्राफ किस तरह स्केच होते हैं. तो अगर आपको इनके बारे में कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कशन करनी हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.